डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। मेरठ के इंचोली थाना क्षेत्र में एक 6 साल के बच्चे की हत्या कर उसका शव गन्ने के खेत में डाल दिया गया। बच्चे के हाथ पैर बंधे हैं, जबकि मुंह में कपड़ा ठूसा गया था। परिजनों को बच्चे के एवज में 50 लाख रुपए की डिमांड करते हुए एक पत्र भी मिला था। परिजनों द्वारा पड़ोसी महिलाओं पर शक जताने पर पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो बकौल पुलिस उन्होंने हत्या करना कबूल कर लिया। इस अपहरण व हत्याकांड में 3 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह वारदात धनपुर गाँव की है। यहाँ गोपाल यादव UP पुलिस में सिपाही है। उनकी तैनाती सहारनपुर में है। रविवार की सुबह खेलते खेलते उनका 6 वर्षीय कान्हा यादव गायब हो गया था। कुछ देर बाद उसका शव गन्ने के खेत से बरामद हो गया। घटना की सूचना पाकर पहुंचे SSP रोहित सजवाण ने मीडिया को यह जानकारी दी। देखिए, या पूरी पब्लिक इकट्ठी सारे दे शादी पड़ी है। अस्पताल ले के जाते पहले क्या बोल रहा हूं? अस्पताल ले के सबसे पहले हम जो कम भी खड़ा है अस्पताल ले के जाते हैं। वाले लेके आए थे बोलते हुए यहां पर फोन एक आपका एक आपका जो फील्ड ड्रेस वाला वो यहां बैठा हुआ था। ये देखो अंडा दे रखा मुंह में सब पत्थर का ऊपर है। ना 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 ये डलवाया आज इन्होंने। थाना इंचोली के अंतर्गत धनपुर गांव पड़ता है। वहां पे 10:30 बजे के आसपास पुलिस को फोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी। एक 6 वर्षीय बच्चा नीत यादव जो है वो खेलते खेलते गायब हो गया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो परिवार वालों के द्वारा पड़ोस की महिलाओं पर बच्चे को गायब करने का आरोप लगाया गया। पुलिस के द्वारा उन महिलाओं को पकड़कर थाने पर ले जाकर पूछताछ की गई तो महिलाओं के द्वारा और उनके जो पति हैं उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा बच्चे की सुबह अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई है। और घर के जो आरोपी हैं उनके घर पे एक पत्र भी मिला, उस पत्र में पैसे मांगने की बात भी लिखी हुई थी। और उनके द्वारा जो वादी परिवार है, पीड़ित परिवार है, उसके द्वारा बताया गया है कि किसी जानकार के द्वारा ये हत्या करवाई गई है और इनका जमीन संबंधी जो मामला है उस व्यक्ति से चल रहा था। सभी पहलुओं पे इसमें छानबीन की जा रही है। जो बालक है उसके शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस की हिरासत में 4 लोग हैं, उनमें 2 महिलाएं हैं। 2 महिलाएं के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा ये हत्या की गई है। प्रकरण में मुकदमा दर्ज करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।